सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी का सातवां रूप संकटों से उभारने वाला माना जाता है। देवी कालरात्रि का पूजन रात्रि के समय बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार शुभ निशुभ के साथ रक्त बीज का विनाश करने के लिए देवी ने कालरात्रि का रूप धारण किया था। देवी कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनको कालरात्रि कहा जाता है। गधे पर विराजमान देवी कालरात्रि के तीन नेत्र हैं। माँ की चार भुजाओं में कांटा लौह अस्त्र सुशोभित है। गले में माला बिजली की तरह चमकती है। इनका एक नाम शुभकरी भी है। भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अचूक मानी जाती है। अपनी आरती से माँ कालरात्रि शीघ्र प्रसन्न होती है। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज चैत्र नवरात्र का सातवां दिन है, आप मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखने मिल रही है, बाकी बहुत अच्छा चीज है। और होगा तो जो योगी आदित्यनाथ द्वारा जो पहले भी आपको हम बता चुके हैं, जो फरमान आया था मंदिरों पे जो है पूजा पाठ को लेकर और सुंदरकांड को लेकर रामायण को लेकर, जिस तरीके की जो व्यवस्था तैयारियां हैं लगातार मंदिरों पे चल रहा है अलग अलग दिन पे। देखिए आज हम नैना माता मंदिर पे हैं। नैना माता मंदिर को लेकर हम भीड़ दिखा रहे थे, किस तरह के यहाँ के दर्शन करने के लिए आ रहे लोग और किस तरह की पूजा हो रही है। और पूजा के साथ साथ जो है शांति व्यवस्था के साथ जो है यहाँ को दर्शन करके लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कोई शोरगुल भी नहीं रहता, न कोई अभद्रता हो रही है। जिस तरह यहाँ के दर्शनार्थी यहाँ पे पूजा करते हैं और तन मन धन से पूजा करने वाले लोगों की शांति में अच्छा भी लगता है। कुछ लोग यहाँ पे दर्शन करने भी आए, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नेहा। आज नवरात्र का कौन सा दिन है और किस तरह की पूजा हो रही है? आज हमारा सप्तमी है और हम लोग नवरात्रि की यहाँ पूजा कर रहे हैं। जैसे 9 दिन की हम लोग पूजा करते हैं नवरात्रि की, जिसमें हम लोग कन्या खिलाते हैं 9वें दिन पे नवमी को। वही हम लोग अभी नैना देवी की माता जी के दर्शन करने भी आए हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत अच्छे से हमने दर्शन भी किए हैं। सुबह सुबह की यहाँ की आरती भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी व्यवस्था के साथ में अच्छे से दर्शन सभी को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। लोग महिलाएं व्रत रहती है 9 दिन की पूजा करने में कन्या भी खिलाती है, उसके बारे में बताना चाहेंगे? अपनी अपनी श्रद्धा है, मान्यता है सबकी। माता जी का दिन है नवरात्र, हमारा हिंदू का नया वर्ष शुरू होता है इससे, तो उसी में हम लोग 9 दिन माता जी का व्रत करते हैं, उसके बाद में कन्या खिलाते हैं। सबकी अपनी श्रद्धा है, मान्यता है हमारी कि हम लोग कन्या जो है माता जी का रूप होती है, तो उनको हम कन्या भी खिलाते हैं इसीलिए। जिस तरह इन्होंने बताया हिंदू का 9 वर्ष है, ये हिंदू का 9 वर्ष को लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा पाठ तैयारी के साथ करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या है इस नवरात्र को लेकर क्या खास मानते हैं? ये अपने हिंदू धर्म का 9 वर्ष है और 9 वर्ष अपना हिंदू धर्म से नवरात्र से स्टार्ट होता है, तो इसी क्रम में सबसे पहला नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई। और आज नवरात्रि का 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है, तो हम सभी विधि विधान से पूजन क्रिया नेत्रकम जैसे अपने करते हैं वैसे पूजन विधि में लगे हुए हैं। द्वारा जो फरमान है कि हर मंदिर में पूजा पाठ से लेकर इस पर आप कितना समय और कितना खुश हो रहे हैं, क्या मानते हैं? ये तो योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही अच्छा कार्य है कि वो अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं और इससे एक हिंदुत्व की अलग भी अलग जगेगी। हर ग्राम पंचायत, हर शहर में, हर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती जी का पाठ और जागरण जगराते बढ़ेंगे, इससे हमारे हिंदुत्व का प्रचार भी बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है, हर जगह भी होता है, इससे हमारे हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है। और प्रचार क्या, हम सब जागृत हो रहे हैं। जो हमारा हिंदू धर्म सोया हुआ था वो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से हम सभी एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम से है और यहाँ की आरती क्या? ये मंदिर यहाँ नैना माता मंदिर है, रुद्रनगर में स्थित, सुल्तानपुर के रुद्रनगर में स्थित है। और यहाँ सुबह की आरती और संध्या की आरती का अपना विशेष महत्व है और नगर के सभी लोग लग आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाते हैं। किस तरह
ये नाना माता मंदिर है, हजारों के श्रद्धालुओं में भीड़ भी होती है और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम त्योहार आते हैं रौनक यहाँ की हमेशा देखने मिली जाती है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार मंदिर का नजारा को दिखा दें, जिस तरह यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं दुर्गा जी की मंदिर है। मंदिर को लेकर पूजा पाठ लगातार जारी है, घंटी संग सुबह सुबह मंदिरों में बजना शुरू हो जाते हैं और शांतिपूर्वक ढंग से पूजा पाठ चल रही है। आशुतोष, जिस तरह से भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, मंदिर परिसर में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें मंदिर की अगर बात करते हैं, मंदिर की एकदम शांतिपूर्वक जो है पूजा पाठ चल रहे हैं और जो ऊपर से फरमान आया है जगह जगह पर प्रशासन को लगाना या सुरक्षा को लगाना, कोई भी कोई दिक्कत ना आने पाए वो दिक्कत को लेकर जो है प्रशासन हर जगह पे अलर्ट पे रहते हैं और शांतिपूर्वक ढंग से पूजा पाठ हर जगह चल रहे हैं। तो हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से मां नैना देवी की दर्शन करवा रहे थे। आपने कैसे देखा, भक्त भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं सुबह से ही माता के पूजा अर्चना करने के लिए। आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नवरात्रि के सातवें दिन दुर्गा जी की सातवें शक्ति देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। मां कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। दुर्गा पूजा के दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है, इसके लिए ब्राह्मण की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। बता दें कि मंदिरों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, चैत्र नवरात्रि का आज सातवां दिन है, आप मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ खास तस्वीरें? जो माँ है वो कालरात्रि और जो माँ का द्वार का रूप होता है वो जो देखा है तो माता के द्वार आज के जो गुड़ से और गुड़ से बनी चीजों को भोग लगाया था। उपेंद्र, आप मंदिर में मौजूद हैं, एक बार हमारे दर्शकों को माता रानी के दर्शन करवाएं और पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। जी, अपने कैमरा से विनय शर्मा दिखाया किस तरीके से आज जो है हम लोग जो दामोदर नगर कानपुर में जो है वैष्णो देवी मंदिर जो है वहां पर खड़े हुए हम लोग है और देखा जाए तो उपेंद्र, आपके आसपास श्रद्धालु हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, मंदिर को लेकर क्या कुछ मान्यता है उनकी? कुछ तकनीकी कारण के कारण उपेंद्र की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। बता दें चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन है और भक्त बड़े ही भक्ति भाव के साथ माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भक्त सुबह से ही माता की पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंच गए हैं। मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, चैत्र नवरात्र का आज सातवां दिन है, आप मंदिर में मौजूद है, मंदिर परिसर में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है?
अभी अगर देखा जाए तो मंदिर जो व्यवस्था पंजाब मंदिर प्रशासन व्यवस्था दिखी है तो पूरी तरीके से सक्रिय और यहाँ पे साफ सफाई को लेकर जो विशेष नगर निगम की टीम जो है और स्वास्थ्य वाली टीम वो लगातार होती है। और बात रही भक्तों और साथ लगातार आते जा रहे हैं, भक्तों को माता के दर्शन करते चले जा रहे हैं और जो लोगों की मनोकामनाएं आज मनोकामनाएं पूरी होती है। जी धन्यवाद उपेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। बता दें आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र का सातवां दिन है और नवरात्र के नौ दिन बेहद ही खास माने जाते हैं। भक्त माता की पूजा अर्चना करते हैं और नौ दिन माता की विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि की आज के दिन पूजा की जाती है। बता दें पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा की राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। वह इनके तीन नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। बता दें कि आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के सातवें दिन दुर्गा जी की सातवीं शक्ति देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। दुर्गा पूजा के दिन साधक का मन सहस्त्रार्थ के चक्र में स्थित होता है। बता दें कि इस चक्र से स्थित साधक का मन पूरी तरह से माँ कालरात्रि के स्वरूप में स्थित रहता है। यह शुंभकरी देवी है। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। बता दें चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही माँ दुर्गा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और आज सातवें दिन माँ कालरात्रि का दिन है। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वहीं पांचवें दिन माँ स्कंद माता, वहीं छठवें दिन माँ कात्यायनी और सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। बता दें कि चैत्र नवरात्र के शुरू होते ही दर्शन के लिए लोग दूर दूर से मंदिर में पहुंच रहे हैं। बता दें कालरात्रि का दिन है और कालरात्रि दुष्टों का निवास करने वाली माता है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत माँ के स्मरण से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप दिखने में बहुत ही भयानक है। माँ कालरात्रि के बाल बड़े और बिखरे हैं। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि चमकीले भूषण पहनती हैं। माता रानी की तीन आंखें हैं। कालरात्रि माँ शावा पे सवारी हैं। माँ की दाहिने हाथ में उस तरह तेज तलवार, बाएं में मशाल है। बता दें कि कालरात्रि की बेहद ही भाव के साथ भक्त पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, भक्त भारी संख्या में माता की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, चैत्र नवरात्र का आज सातवां दिन है, आप मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ खास तस्वीरें? जैसा कि आपको बता दें कि मयूरी की नवरात्रि का पर्व चल रहा है, महापर्व चल रहा है। आपको बताते हैं आज नवरात्रि का सातवां दिन है महाकालरात्रि का। जिस तरीके से देख रहे हैं मंदिर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भक्तों की पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ माँ काली की मूर्ति है, देख सकते हैं माँ का कालरात्रि के साथ पूजा की। ये माँ काली का मंदिर है यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ भक्त देख सकते हैं यहाँ पूजा अर्चना चल रही है और सुबह से ही यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं।
हम इनसे बात करेंगे कि आप आज के दिन यहाँ पे आई काल रात्रि के आज पूजा की जाती है तो किस तरीके से पूजा की, माँ से क्या कामना की? बस सब पूरा करें जी, इसीलिए किस तरीके से आपने पूजा करी है, क्या मांग बस ऐसा ही कारण पूरा करें सबके लिए। जिस तरीके से देखा है यहाँ पे लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पूजा कर रहे हैं और यहाँ के हम ये पुजारी जी हैं इनसे भी बात करेंगे कि आज के दिन में किस तरीके की पूजा अर्चना की जाती है, क्या विधि विधान है, किस तरीके से आज पूजा करने का विशेष फल मिलता है, पर आज के दिन काल रात्रि की पूजा करने का क्या विधि विधान है, किस तरीके से पूजा करने से लोगों को वनवांछित फल मिलता है। का महाकाल रात्रि का दिन है, यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और सभी भक्त यहाँ पर श्रद्धा भाव से आते हैं। प्राचीन सिद्ध पीठ काली जी का मंदिर है, यहाँ पे नवमी वाले दिन 30 तारीख को माँ भगवती जागरण का आयोजन रखा गया है और 1 तारीख को भंडारा रखा गया है। सभी भक्तों से आग्रह करते हैं तो आज के दिन का विशेष महत्व है अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए। किसी को भव बाधा सताती, किसी को कोई भी काम नहीं बनता है, माँ काल रात्रि की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जिस तरीके से महाराज ने बताया माँ काल रात्रि की पूजा करने का विशेष फल होता है, जो भी माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना करता है तो जो भी शत्रु होते हैं और जो भी उनको भय होता है उससे मुक्ति मिलती है और शत्रुओं तो से निजात मिलता है, और जो कहते हैं कि काल रात्रि तो जो काल मृत्यु होती है तो उससे भी लोगों को निजात मिलती है। जी मयूरी जी, धन्यवाद आशीष हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।